स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है, ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो। मैं अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि लोगों को कैसे विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। पीएम आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसको हमारे केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को किया गया था। इस योजना के अंतर्गत जिसके पास भी रहने को घर नहीं है या फिर कच्चे मकान है, उनको आवास प्रदान कराना है, जिससे उनको काफ़ी हद तक राहत मिल पाई है। और साथ ही साथ जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है अपने घर को बनाने में या फिर जिनके भी कच्चे मकान हैं, उनको लोन मुहैया भी करवाया जा रहा है। इस योजना के आने से लोगों को बहुत हद तक राहत मिल पाई है क्योंकि उनको रहने को घर मिल पाया है। तो चलिए, इसी विषय पर जानकारी लेने के लिए हम आपको लिए चलते हैं रांची के बेड़ों में रह रहे उन ग्रामीणों के पास जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में कुछ अच्छी जानकारियाँ भी दे रहे हैं। अभी तक झुग्गी झोपड़ी, कच्चे मकानों या किराए पर रह रहे लोगों को खुद का आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना। ये एक ऐसा मद है जिससे सरकार के कई हित सधते हैं। पहले तो जिनके पास अपना मकान नहीं है उन्हें मकान मिलता है। दूसरा, इसे बनाने में लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अतिरिक्त मकान बनने से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं रांची जिला के बेड़ो प्रखंड के पुरियो पंचायत में, जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। और आइए हम जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना से यहाँ के लाभुक लाभान्वित हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक प्रधानमंत्री आवास योजना के यहाँ गृह प्रवेश किया गया है और लाभुक को मकान दिया गया है। तो आइए इनसे हम जानते हैं उनके मन में कितना उत्साह है, पहले वो किस घर में रहते थे, उनके जीवन में क्या कठिनाई थी और जब से इनको नया मकान मिला है तब से इनके जीवन में कितनी सहूलियत हो रही है, आइए इनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? विजय कच्छप। विजय जी, आपका मकान पहले कैसा था? कच्चा मकान था। कच्चा मकान था। क्या दिक्कत था उसमें कच्चा मकान में? वो तो आग लग गया ना। आग लग गया? कैसे आग लगा? मतलब कि कैसे आपके पास इतना सुंदर सा मकान मिला है, नीचे भी बहुत अच्छा टाइल्स लगा हुआ है। हम लोग हॉस्पिटल चले गए ना। अच्छा, दोनों आदमी उसी दिन आग लग गया। आग लग गया। तो फिर कैसे मिला आपको प्रधानमंत्री आवास योजना? कैसे आप कहाँ पे अप्लाई किए, क्या क्या कागजात जमा किए? पहले मिला था। अच्छा, आग लगने के पहले मिला था। हाँ, तो उसमें क्या क्या कागजात क्या क्या जमा करना पड़ा? जमीन का कागज, कागजात, उसके बाद आधार कार्ड, बैंक का फोटोकॉपी जी। अच्छा, तो कितने दिनों के अंदर आपको पैसा, नगद पैसा मिला कि काम करने के लिए पैसा मिला आपको? फर्स्ट किस्त मतलब काम शुरू करने के लिए मिला था। अच्छा, 40,000। मतलब किस्त के अनुसार आपको मिला कि जैसे जैसे घर बनते गया वैसे वैसे पैसा आपको मिलते चला गया? हाँ, वो तो मिलते गया। तो जब कच्चा मकान में रहा था उसमें क्या दिक्कत हो रही थी? जिस समय कच्चा मकान में रह रहे थे उसमें क्या दिक्कत हो रही थी? दिक्कत तो उसमें कुछ नहीं था, फिर भी आग लग गया ना। अच्छा, पूरा घर पूरा आग लग गया। घर के पास रहने के लिए कहीं कोई ठौ ठिकाना नहीं था? नहीं। अच्छा, अब तो पक्का का मकान मिल गया है, अब कितना आराम लग रहा है? क्योंकि एक समय था कि आपके पास घर नहीं था, तो बरसात की बात करें अभी गर्मी का मौसम है, काफ़ी दिक्कत होता होगा, लेकिन जब पक्का का मकान मिल गया कैसा लग रहा है आपको? अभी तो अच्छा है। अच्छा लग रहा है। इस योजना में वैसे व्यक्ति को शामिल किया जाता है जिनके पास खुद का घर नहीं है या अभी तक वे कच्चे घर में रह रहे हैं। उन्हें स्वयं का पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के तहत लाभ मिल रहा है। इसी क्रम में बेड़ो प्रखंड के केसापुरिया पंचायत के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ मिल रहा है। पानी पूरा ढाबा में घुसा है,
तो मुखिया और क्या बोलते बहन डब्लू देखा तो हमारे तकलीत को भी देख के और बोला जी ऐसे घर में रहेगी तो इसका बीमार को अच्छा होगा नहीं होगा बोल के वो ढाबा को हम लोग तोड़ फोड़ किया बनाएगा बोल के उसी जगह में। तो सोसाइटी के घर था गांव घर का, तो वो लोग दिया गांव घर वाला हमको वहाँ में रहने के लिए, क्या क्या आदमी लोग हमको मदद किया और सब कोई हमको रखा एक पहन का घर में तो रखा, तो हम लोग ठीक ठाक था। तो बाद में हमको आवास मिला था, आवास का पैसा भी जल गया, लड़का दिया था 50,000 रुपया माँ मिला मिली करके, सामान थोड़ा थोड़ा करके गिरा हम लोग आके बना देगा। मुखिया ला के यहाँ में नापी जुखी कर दिया, तो नापी जुखी कर दिया तो हम क्या क्या थोड़ा धान खेती को 80,000 में बंधक लगाया, 5 डिसमिल जमीन बेचा और उसका बाद में थोड़ा 30,000 जैसे आदमी से भी सूदी में उठाया, तो बच्चा लोग को हम खबर किया। तो माँ जब ऐसे करती है तो हम लोग का शोरूम कहाँ रहेगा, अब तो सबसे हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कितना रूम इसमें है? एकदम हमको बहुत अच्छा लगता है। रूम कितना है? केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से कई लोगों को लाभ मिल रहा है। पीएम आवास योजना के तहत अब तक स्वीकृत घरों की कुल संख्या 1.13 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। पीएम आवास योजना के तहत सरकार बेघर लोगों को घर बनाकर देती है। बेलो प्रखंड के लोग भी आज यहाँ के लोग इस योजना से लाभान्वित होकर बुनियादी सुविधाओं के साथ अपने जीवन को अब जी रहे हैं। आज हम लोग जिस घर पे खड़े हैं और ये एक मॉडल आपको घर दिख रहा होगा, लेकिन आज से पहले ऐसा नहीं था। 2020-21 से पहले बस्ती के अंदर में कच्चे घर में लोग रहा करते थे और उसी समय 2020-21 वित्तीय वर्ष में इनका चयन प्रधानमंत्री आवास के लिए हुआ। आवास मिलने के बाद में जैसे ही इनको प्रथम किस्त की राशि जो 40,000 की मिलती है वो मिली और उसी दौरान इन्होंने अपना नेव खुदवाया। नेव खुदवाने के बाद में अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए ये रांची चले गए। आकस्मिक अगलगी की घटना की वजह से इनका वो 40,000 रुपया जो आवास के लिए था अपना कुछ निजी पैसा, बर्तन सारा जेवर सारा चीज़ जल करके नष्ट हो गया और ये बेचारे बिल्कुल निराश हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अपने बेड़ो प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार जी का सहयोग, मैं बार बार उनके पास में गया और जाने के बाद में मैंने उनकी समस्याओं को बताया, वो समझे और समझने के बाद में हम लोगों ने इन्हें दूसरी किस्त का पैसा दिया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर इस जगह पे अपना घर का निर्माण किया और बहुत सारी दिक्कतों को झेलते हुए आज एक ऐसा घर बनाया है जो मुझे लगता है कि पूरे झारखंड में मॉडल प्रधानमंत्री आवास होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहले सिर्फ गरीब वर्ग के लिए था, लेकिन अब होम लोन की रकम बढ़ाकर शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी इसके दायरे में लाया गया है। शुरुआत में PMAY में होम लोन की रकम 3 से 6 लाख रुपए तक थी जिस पर ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी, अब इसे 18 लाख रुपए तक कर दिया गया है। निम्न आर्थिक वर्ग के लिए सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख रुपए तय है। लाभुक को हम लोग आवास SSC डाटा या फिर आवास प्लस जो सूची है उस पर पहले से ही चयन किया गया है। उस लाभुक से हम लोग आधार कार्ड लेते हैं, बैंक अकाउंट लेते हैं, जमीन जिस जमीन पर बनाना है उसका सत्यापन करके उसका पेपर लेते हैं कि NOC जो हम लोग को CO साहब से यहाँ से मिल जाता है कि उसका ज़मीन है, और उसके साथ ही हम लोग उसके जॉब कार्ड जो मनरेगा के लिए जॉब कार्ड जो है जो 95 मैंडेज हम लोग उस पर मनरेगा का प्रधानमंत्री आवास के साथ आवास के जो प्राकृत राशि है उसमें हम लोग 95 मैंडेज मनरेगा का अलग से देते हैं लाभुक को, और बस वही जॉब कार्ड रहता है, आधार कार्ड रहता है, बैंक अकाउंट और ज़मीन का रसीद।
ये पैसा का जो भुगतान किया था, नगर भुगतान किया था या लाभुक के खाते में पैसा जाता है? डायरेक्ट लाभुक के खाते में जाता है। अगर हम गुणवत्ता की बात करते हैं, जब मकान बनाते हैं तो मकान प्रतिदिन नहीं बनता है, एक मकान बनता है तो लोग अपने पूरे जीवन मकान बिता देते हैं, इसकी गुणवत्ता अच्छी गुणवत्ता इसके लिए क्या प्रावधान किया गया? इसके लिए तो हम लोग के कभी कभी हम लोग का जो मनरेगा के जेई है या कोई है वो अपने से खुद ही से आके हम लोग या प्रखंड विकास पदाधिकारी है हम लोग मतलब पर डे हम लोग का विजिट हम लोग के पंचायत के जनसेवक है वो करते हैं कि मकान सही तरीका से बनाए लाभुक। आज से करीब करीब 2 साल पहले जब इनको आवास जो था ये अलाउट हुआ था, इन्होंने अपने प्रथम जो किस्त है जो 40,000 का जो किस्त आता है, इस 40,000 का किस्त को निकाल करके अपने घर में रखे थे आवास बनाने के लिए और इलाज पत्नी की इलाज करवाने हेतु ये लोग रांची गए हुए थे। दुर्भाग्य से किसी कारणवश इनके घर में आग लगी घटना हो गई थी और पैसा के साथ साथ में इनका सारा कीमती सामान और बर्तन जेवर सारा चीज़ जल गया था। उसके बाद में ये काफ़ी निराश थे लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी से मैंने लगातार बातचीत की और इनको भी यकीन दिलवाया कि आपका घर अभी भी बन सकता है और धीरे धीरे इन्होंने अपना जो खोया हुआ भरोसा था वो वापस पाया और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मॉडल घर जिसको बोला जाए वो आज बन के तैयार है। तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। LIC कम आय वर्ग के लिए सालाना आमदनी 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए। अब 12 और 18 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऐसे परिवार जिनके पास अपना पक्का मकान भी था, ऐसे परिवार अब इस योजना से लाभ पाकर अपने घर की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर ये घर एक मॉडल है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास जो है जो उसका एक मानक है, उसका एक अलग रूप होता है, लेकिन इन्होंने अपना पैसा लगा करके इसको बहुत अच्छी तरह से बनाए हैं और इसमें इसका जो गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, इसलिए हम भी सोचते हैं, पूरा गांव वाले सोचते हैं, हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी भी इसका तारीफ कर चुके हैं कि ये जो मकान बना है बहुत ही अच्छा बना है और ऐसा ही बनना चाहिए क्योंकि इस घर में रहना है तो जो मानक का है या तो गुणवत्ता है उस पर स्वयं को अपने आप में भी कुछ सोचना चाहिए लोगों को कि तक ये घर जो बन रहा है हमारा जीवन भर के लिए बन रहा है, इसलिए इसमें गुणवत्ता में हम लोग कुछ किस्म का समझौता नहीं करवाते हैं बल्कि बीच बीच में देखते रहते हैं कि ताकि अच्छा घर बने। अगर हम संक्रमण की बात करते हैं, कैसा दौर था कि लोग कच्चे मकान में रहते थे, बरसात दिनों में कहीं ना कहीं बीमारी फैलने का डर रहता था, संक्रमण फैलता था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को पक्का मकान दिया जा रहा है तो बीमारी से कितनी मुक्ति मिलेगी? देखिए पहले ये लोग छोटा सा घर में रहा करते थे और जब इनको ग्राम सभा के माध्यम से जब इनका नाम का चयन हुआ उसके बाद जब इनको जो प्रधानमंत्री आवास प्लस सूची में जब इसका नाम दर्ज हुआ उसके बाद इन्होंने जो अपना जब घर बनाया इससे संक्रमण को बहुत पूरी तरह से ख़त्म होने की ये बात है क्योंकि पहले जो छोटा सा घर में रहते थे और अभी जो है वो बस्ती के अंदर उतना साफ़ सुथरा भी वहाँ पर नहीं था, अब यहाँ जो घर बना है साफ़ सुथरा बिल्कुल अच्छा घर बना है तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिहाजा से भी देखा जाए तो यह घर बहुत ही अच्छा है। इस योजना का मकसद सभी लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना रहा है और आज इस योजना से जरूरतमंद परिवार लाभान्वित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे इस योजना का उद्देश्य पूरा होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री की सोच है कि गरीबों को एक पक्का मकान मिले जिसमें सारी सुविधाएं गैस का कनेक्शन, शौचालय और पक्का मकान सभी कुछ मिले और यह बेड़ों में बहुत सफल रहा है योजना और अभी हम लोगों ने पूरियो पंचायत में विजय कच्छप का घर बनाया है जो कि बहुत ही यूनिक है और इसमें लाभुक का अपना अंशदान भी है, उनका लगाव है कि अब मेरा अच्छा घर बने तो सरकार एक सहयोग करती है 1.5 लाख का और उसके बाद लाखों का कुछ अंशदान के बाद बहुत ही अच्छा घर बना है। बेड़ो प्रखंड में 15 गांव में करीब 60 आवास दिए गए थे और 60 आवास बन गए, इसी तरह सभी गांव में प्रधानमंत्री आवास यहां पर बहुत अच्छे बने हैं और सभी लोग प्रधानमंत्री आवास पाकर काफ़ी संतुष्ट हैं और सरकार को मन ही मन काफ़ी धन्यवाद दे रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बहुत उद्देश्यों को लेकर बना है जहाँ बच्चों का विकास, उनका प्रारंभिक शिक्षा, महिलाओं एवं धात्री माताओं किशोरियों का
सभी लोगों का विकास के उद्देश्य से लेकर बना है। और बेड़ो प्रखंड में यहाँ पर जो आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए हैं वो मॉडल आंगनबाड़ी के अंदर हम लोग बना रहे हैं, जहाँ पर पक्का मकान है, पानी की सुविधाएं हैं, शौचालय हैं, बाउंड्री वॉल है और दीवारों में वॉल राइटिंग है, जिसमें बच्चे उत्साहित होकर स्वयं आते हैं और अच्छे से खेल खेल में वो सीखते हैं और उनके जो अभिभावक हैं वहाँ भेज कर काफ़ी संतुष्ट होते हैं। तो हम लोग बेड़ों में यह प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हम लोग 11 आंगनबाड़ी भवन मिले हैं सभी को मॉडल हम लोग बना रहे हैं और यह रांची ज़िले में बिल्कुल मॉडल की तरह यह बन रहा है। मनरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा होती है, किसानों का आर्थिक उन्नयन होता है, उन्हें रोजगार मिलता है और साथ ही साथ बहुफसली का करके उनका आर्थिक स्थिति सबल हो रहा है। तो अभी आपने देखा रांची के बेड़ो केसापुरी प्रखंड में रह रहे उन लोगों के बारे में जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के आ जाने के बाद उनको काफ़ी हद तक राहत मिली है। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं रांची के लापुंग में पढ़ रहे उत्क्रमित उच्च विद्यालय के सरसा गांव के बच्चों के पास जो कि आईसीटी लैब का लाभ ले रहे हैं। आईसीटी लैब के माध्यम से उनको डिजिटल माध्यम से जोड़ा जा रहा है क्योंकि आज के समय में देखा गया है कि छोटे मोटे जितने भी कार्य किए जाते हैं उन सभी को इंटरनेट या लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाए जिससे उनको आने वाले समय में किसी भी कार्य में आसानी मिल पाए, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ी हुई बातें हों या फिर रोज़गार से जुड़ी हुई बातें हों। तो चलिए मिलते हैं इन बच्चों से और जानते हैं कि उनको किस तरह से इस लैब से लाभ मिल पाया है वो और किस तरह से इस लैब का लाभ ले पा रहे हैं। जोहार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। आज हम वहाँ पहुंचे हैं राजकीय नवोत्क्रमित उच्च विद्यालय सरसा। आइए यहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षकों से जानते हैं कि आईसीटी लैब से किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं। आईसीटी लैब जब से यहाँ पे आया है तब से एक बहुत बड़ा उपलब्धि ये देखने को मिल रहा है कि बच्चे लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए हैं। कोई भी टॉपिक्स जो पहले ढूंढना पड़ता था अब उसको आसानी से एक क्लिक में लोग ढूंढ लेते हैं और अपने से समझ के इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि जब से आईसीटी लैब हुआ है तो बच्चों का अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ा है। पहले जो ड्रॉप आउट हुआ करता था वो लगभग नगण्य हो गया है। बच्चे लोग आते हैं बहुत उत्साहपूर्वक और इवन हम ये देखते हैं कि जो छोटे क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी ये उत्साह रहता है कि कब मेरा बारी आएगा कि हम लोग भी जाके आईसीटी लैब में पढ़ें। और इस तरह हम देख रहे हैं कि बहुत ही फ़ायदा हो रहा है आईसीटी लैब से और हम और भी चाहेंगे कि इस तरह और भी बच्चे लोग जुड़ें और भी कुछ फैसिलिटी मिले। लेकिन इतना सुविधाजनक हो गया है कि सारा काम आईसीटी लैब में होता है। आपका एचडीएमआई से हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, पोशाक हो गया और भी जो डाटा एंट्री वगैरह रिपोर्ट हो गया सारा चीज़ यहीं से, मेरा स्कैनर भी आ गया, सारा चीज़ यहीं होता है। और शिक्षकों में भी सब लोग अब पढ़ाने बच्चे को जान गए हैं। जब नहीं था तो बोल रहे थे कि कैसे पढ़ाएंगे, लेकिन सब आप हैंडल करते हैं। आपका टैब है, स्मार्ट रूम है, ऐसे मेरा स्कूल में 3 टेक्नोलॉजी बढ़ा है। पहले कोई चैप्टर पढ़ाई होता था, मान लीजिए साइंस का, तो अगर उसमें कुछ सब्जेक्ट आ गया दिखाने के लिए तो शिक्षक दिखा नहीं पाते थे, लेकिन यहाँ इंटरनेट के माध्यम से बच्चे को देखो ये ऐसा है। इस स्कूल का जो भी प्रगति हुआ है बहुत ही अच्छा रहा है। जबकि मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट थे जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे उस समय जो है बिल्कुल यहाँ अभी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब से मैं पंचायत बना और यहाँ पर मैं यहाँ मुझे बुलाया गया और मैं यहाँ पर देखा कि बच्चे लोग का भी पढ़ाई में बहुत अच्छा सुधार है और जो भी कंप्यूटर लैब का जो यहाँ हमारे प्रिंसिपल के माध्यम से जो व्यवस्था हुआ है उसे यहाँ जो है यहाँ लापुंग प्रखंड का इसी देवगांव पंचायत में जो हाई स्कूल है यहाँ जितना जो पढ़ाई हो रहा है उस माध्यम से स्टूडेंट जो बाहर का है दूसरे ब्लॉक का यहाँ आना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है उस माहौल पर आधार पर गार्जियन लोग भी इच्छुक हो गए हैं और अपने बच्चों को यहाँ भेजने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। और जब से आईसीटी लैब हुआ है यहाँ पर तो बच्चे यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टेड है और हमें जो शिक्षकों को भी पढ़ाने में विजुअल इफेक्ट दिखाने में भी आसानी हो जाती है और साथ ही साथ जब टैब से पढ़ते हैं तो उनको वीडियो देख के वो आसानी से कोई भी चीज़ को समझ जाते हैं। और ये कहना चाहेंगे कि पहले जो बच्चे त्यौहार के सुबह हम देखते हैं एक्चुअल होता है कि नहीं आते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में त्यौहार के सुबह आपको लगेगा नहीं लगेगा कल त्यौहार भी था, इतने सारे बच्चे यहाँ पर मतलब कि आते ही हैं, मतलब कि रेगुलर कंटिन्यू, तो अच्छा लगता है।
और कोई भी टॉपिक हो जो कि डिफ़िकल्ट टॉपिक हो तो हमें कभी कभी स्मार्ट क्लास में आकर उनको समझा देते हैं, पिक्चर दिखा देते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ यही तो बता रहे सर, हम बोलते उस समय नहीं समझा लेकिन अभी देख लो, तो हाँ ये अभी दिमाग में उनका घुस जाता है। काफ़ी दिक्कत हो रहा था लोगों को, लोग बच्चों लोग को माउस वगैरह पकड़ने भी नहीं आ रहा था, उन लोगों को बताने के लिए हमें माउस में भी एक एक चीज़ हमको बताना पड़ता था कि लेफ़्ट क्लिक किसको बोलते हैं, राइट क्लिक किसको बोलते हैं। पर अभी 3-4-5 महीने में देखा जा रहा है कि ये लोग अच्छे से ऑपरेट कर पा रहे हैं, टाइपिंग वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं, एक्सेल जो है उस सीट पे भी काम कर रहे हैं वो लोग। चीज़ अभी जहाँ तक देखा जाए कंप्यूटर बेसिस पे, तो कंप्यूटर बेसिस पे काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। और अदर जैसे कोई अदर सब्जेक्ट हो गया तो उसके लिए कोई चीज़ जैसे फोटोग्राफी, जैसे ह्यूमन का बॉडी वगैरह का जो पिक्चर था वो सब देखने उखने में, वो सब चीज़ देखने के लिए इंटरनेट का जो सुविधा मिला उससे बच्चों लोग को काफ़ी मदद मिल रहा है पढ़ने में। वो लोग आसानी से समझ पा रहे हैं, इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, पढ़ने में उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो पा रहा और बहुत इजी वे में समझ ले रहे हैं। और अभी फ़िलहाल जो स्टार्टिंग से था कि स्टार्टिंग में जैसे था कि माउस वगैरह, कीबोर्ड वगैरह का, मॉनिटर वगैरह के बारे में कुछ जानकारी नहीं था, अभी फ़िलहाल वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब प्रोग्रेस बहुत अच्छा दिखने को मिला। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपने देखा रांची के बेड़ो प्रखंड के केसापुरियों में रह रहे उन ग्रामीणों के बारे में जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे हैं, और साथ ही साथ आपने देखा रांची के लापुंग उत्क्रमित उच्च विद्यालय सरसा गांव में पढ़ रहे उन बच्चों के बारे में जो कि ICT लैब का लाभ ले रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।